खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सांसद जी चाहे एक दिन के ही क्यों ना हो, पूरी पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं पूर्व सांसद बनने पर। लेकिन क्यों देश के लाखों सरकारी कर्मचारी पेंशन पर अपने हक को पाने के लिए सरकारों के सामने प्रदर्शन को मजबूर हुए? कोई नेताजी अगर पूर्व सांसद हो और पूर्व विधायक तो दोनों तरफ से पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। लेकिन वर्षों तक देश के लिए सरकारी सेवा में जिंदगी खपाने वाले सरकारी कर्मचारियों को नेताओं की तरह बुढ़ापे में पेंशन वाली सुरक्षा क्यों नहीं मिलती? यूपी में विधायक जी अगर पूर्व हो जाएं यानी विधायक ना भी रहें या एक दिन के भी विधायक हो तो पूर्व विधायक को 30,000 रुपए पेंशन और तमाम सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को क्यों बुढ़ापे में पेंशन के नाम पर कौड़ियां मिलने का डर सता रहा है? पेंशन पर अपने हक को लेकर यूपी में 20 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सांसदों की पेंशन पर सवाल उठता है तो सरकार कहती है पूर्व सांसद को गौरव से जीने का अधिकार है। तो फिर सवाल ये, देश के लिए जीवन खपाने वाले सरकारी कर्मचारी को बुढ़ापे में सम्मान से जीने का अधिकार क्यों नहीं देती सरकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में कहा, क्या कहा? कांग्रेस अहंकार के कारण 400 से 40 पर आ गई। अहंकार किसी का नहीं टिकता, फिर वो अहंकार सत्ता के लिए हो या अपनी सुविधाओं के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सरकार जो है ना वो जन कल्याणकारी होनी चाहिए, जनता की सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली। लेकिन क्या देश हो या प्रदेश, सरकारें ऐसी होती हैं या ऐसा कुछ कर पाती हैं? देश के लाखों सरकारी कर्मचारी सरकारों से नाराज हैं, रोज घंटी बजाओ को ट्वीट करके कहते हैं कि हमारा मुद्दा आप कब उठाएंगे। तो हमने पूरे मामले को समझा, कई शहरों में जाकर बात की लोगों से और फिर बड़ी मेहनत के बाद, पूरी रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट तैयार की। देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके घर वालों से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए और उनके हक के लिए घंटी बजाइए। लखनऊ में सरकारी कर्मचारी काम ठप करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अंधी और बहरी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि कम से कम मेरा भविष्य क्या हो सकता है। गोरखपुर में सरकारी कर्मचारियों ने दफ्तर खाली छोड़ दिए, काम बंद कर हक मांग रहे हैं। वो हमें पुरानी पेंशन दें, हम जयकारा लगाकर उनका चले जाएंगे। कानपुर में भी सरकारी कर्मचारी काम रोककर सरकार को चुनौती दे रहे हैं। कर्मचारी ही सत्ता बनाते और बिगाड़ते भी। मुरादाबाद में सरकारी कर्मचारियों को अपने बुढ़ापे की लाठी सरकार के हाथों तोड़े जाने का डर है। देश की राजधानी दिल्ली तक सरकारी कर्मचारियों की गूंज लगातार उठ रही है। 33 साल से नौकरी, 60 साल की उम्र में अगले महीने रिटायर होने जा रही है, तो मोदी जी मुझे क्या दे रहे हैं?
2019 के चुनाव में क्या सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा सरकार के लिए चुनौती बन जाएगा? 2019 के चुनाव में क्या सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा हर दल के घोषणा पत्र में होगा? क्या जो पार्टी पेंशन का हल निकालेगी उसकी टेंशन लाखों सरकारी कर्मचारी दूर करेंगे? हिंदुस्तान का ये 70 लाख कर्मचारी और उससे जुड़े हुए उसके परिवार के लोग अगर पुरानी पेंशन के मुद्दे पर उसी पार्टी को उसी राजनीतिक पार्टी के पीछे जाएंगे जो आने वाले चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन की बात रखेगा। आखिर क्या है सरकारी कर्मचारियों की नई पेंशन और पुरानी पेंशन का विवाद जिसके कारण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर अलग अलग हिस्सों में सरकार से चेतावनी मिलने के बावजूद 20 लाख सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 6 फरवरी से 12 फरवरी तक काम ठप करने की महा हड़ताल। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। जनप्रतिनिधि अगर विधायक बन जाता है, एमएलसी बन जाता है तो वो 6 महीने की सेवा काल में उसकी आजीवन पुराने पेंशन सुनिश्चित कर लेता है और हमारा शिक्षक, हमारा कर्मचारी, हमारा साथी जो है 40 साल सेवा करने के बाद निहत्थे हाथ लौटे, ये कहाँ का न्यायपूर्ण है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों का सरकारों पर गुस्सा इसलिए है क्योंकि इनकी दलील है कि देश में सांसद चाहे एक दिन के लिए भी हो तो भी पूरी पेंशन पाने का हकदार होता है, लेकिन वर्षों तक देश के लिए काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन जीवन गुजारने लायक नहीं होती। पूर्व सांसद को 20,000 रुपए हर महीने पेंशन, आजीवन मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा मिलती है, लेकिन दावा है कि देश के लिए लगातार काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब नई पेंशन स्कीम से सम्मानजनक रकम तक नहीं मिलती। जो कर्मचारी 10-15 साल की सेवा पर जो रिटायर हो रहे हैं उनको 200, 400, 500, बहुत से बहुत 1,000 रुपए पेंशन मिल रही है। इसको लेकर सरकार के कर्मचारी अधिकारी सब बहुत परेशान है और बहुत चिंतित है अपने भविष्य को लेकर। अगर ऐसा तो क्या सरकारों को सिर्फ नेताओं के भविष्य की चिंता होती है? क्या सरकारी योजनाओं को आम लोगों के बीच मिले जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य की पेंशन नहीं देना चाहती है सरकारें? आखिर कर्मचारी क्यों नई पेंशन स्कीम के बजाय पुरानी पेंशन योजना को लागू कराना चाहते हैं? इस बात को ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएं, उससे पहले संवाददाता जावेद मंसूरी के साथ देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाली पुष्पा देवी के घर चलिए। पुष्पा देवी के हाथ में ये ट्रॉफी है और ये इनकी 36 साल की सेवा का पुरस्कार है। 1983 में एमसीडी के स्कूल में सफाई कर्मी के तौर पर पुष्पा देवी को नौकरी मिली। 300 दिन में नौकरी स्थायी हो जानी थी लेकिन नौकरी स्थायी हुई जाकर साल 2004 में, और जब पुष्पा देवी रिटायर हुई तो बुढ़ापे में सम्मान से जीने के नाम पर सरकार अब इन्हें 1,200 रुपए महीने की पेंशन दे रही है। पुरानी पेंशन तो जो गवर्नमेंट देती है वो तो किसी को 13 मिलती है सर्विस के हिसाब से, 14 है, 15 है, और जो ये नई दे रही है वो 1,200 रुपए कुल, और वो भी मेरे पैसे रोक कर। जैसे मेरे 5 लाख बने हैं तो मेरा 2.5 लाख रोक के उसकी तुम पेंशन दे रहे हो। मतलब सिर्फ 1,200 रुपए? 1,200 रुपए। कितने साल आपने दिए इस विभाग को जो अब मैंने तो 21 साल तो मैंने कच्चों में काम करा और 14 साल मेरे को पक्कों में काम लिया इन्होंने, उसका ये मेरे को वो दे रहे। आखिर नई पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों को क्यों अपना बुढ़ापा खतरे में लगने लगा है, इसकी वजह समझिए। नई पेंशन स्कीम साल 2004 से देश में लागू की गई है। 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम से जुड़ना होता है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को कोई अंश नहीं देना होता था, जबकि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अब 10% हिस्सा देना होता है। पुरानी पेंशन स्कीम में सरकार ही एक निश्चित राशि अपनी तरफ से देती थी, नई स्कीम में सरकार 14% हिस्सा देती है और कर्मचारियों को 10% देना होता है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपने आखिरी वेतन का लगभग आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर हर महीने मिलता था, लेकिन नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी सरकार के अंश से जमा फंड पेंशन स्कीम में निवेश कर दिया जाता है। उसके बाद पेंशन फंड से मिले रिटर्न से ही कर्मचारियों को पेंशन मिलती है।
लेकिन इस नई पेंशन स्कीम से ही आखिर कितनी पेंशन सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, ये सुनिए दुर्ग विजय से, जो गोरखपुर में सरकारी कर्मचारी हैं और हाल में ही दिल्ली में पुरानी पेंशन सेवा लागू कराने की मांग करते हुए धरना देने आए थे। घर के परिवार वाले भी उनको रिटायरमेंट के बाद पूछते नहीं है, क्योंकि वो बुढ़ापे का सहारा था, एक अलग पुत्र के रूप में वो दिखाई देता था। क्योंकि अगर कोई परिवार का नहीं पूछता था तो रिटायरमेंट के बाद उसकी एक अहमियत रहती है। आज सरकारी कर्मचारी एक बनिए की नौकरी के बराबर हो गए, जब तक किया उसको मिला उसके बाद चला जाता है। 40,000-50,000 रुपए की नौकरी पाने वाला, तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति जब वो रिटायरमेंट होता है तो नई पेंशन के तहत NPS के तहत उसको 1,500 रुपए तनख्वाह मिले, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारे देश में 82% सांसद करोड़पति हैं, लेकिन जब हमारे देश में पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन और भत्ते पर अदालत में सवाल उठाया गया तो सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि पूर्व सांसद को पेंशन और भत्ता देना जरूरी है ताकि उनकी गरिमा बनी रहे। सवाल उठता है कि अगर देश में करोड़पति नेताओं के रिटायर होने पर उनकी गरिमा का ख्याल सरकारों को होता है पेंशन देने के लिए, तो क्या सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे में उनकी गरिमा और सम्मान का ख्याल सरकारों को नहीं करना चाहिए? मुमकिन है कि आप कहें कि जब 2004 से नई पेंशन स्कीम लागू हुई है तो फिर अब जाकर 15 साल बाद क्यों लाखों सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं? कहीं इसका कोई चुनावी कनेक्शन तो नहीं है ना? लेकिन सरकारी कर्मचारियों का दावा है कि पहले तो उन्हें पेंशन में अपने नुकसान का अंदाजा नहीं हुआ। जब 2004 में सेवा में आने वाले सरकारी कर्मचारी रिटायर होने लगे तो उनकी पेंशन जब मूंगफली के दाने के बराबर दिखी तो सरकार के सामने पुरानी पेंशन सेवा को बहाल करने की उन्होंने मांग उठानी शुरू की। क्या गलत किया? 33 साल से उनके 60 साल की उम्र में अगले महीने रिटायर होने जा रही है तो मोदी जी मुझे क्या दे रहे हैं? 1500 रुपए बताइए आप। इन 1500 रुपए में क्या मोदी जी आपको ये आम आदमी अपना जीवन अपन करेगा, 4 आदमियों का, वो भी किराए के मकान में क्या करेंगे? अत्याचारी बढ़ेगा ना, अपना मकान क्या बना पाएंगे? 2004 से स्थायी नौकरी या सरकारी नौकरी पाने वाले हर कर्मचारी का अब यही सवाल है कि नई पेंशन स्कीम से जब पेंशन के तौर पर एक मिडिल क्लास फैमिली के मोबाइल बिल के बराबर पैसे ही मिलेंगे तो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी कैसे सम्मानजनक जिंदगी जी पाएंगे? पुरानी पेंशन स्कीम में लाखों सरकारी कर्मचारियों को नौकरी के बाद रिटायर होने पर हर हाल में एक सम्मानजनक रकम बुढ़ापे में जीने के लिए मिलने का भरोसा होता था, लेकिन नई पेंशन स्कीम में पेंशन फंड में जमा हुई रकम बाजार से लिंक होने के कारण सरकारी कर्मचारियों को पेंशन में ठीक ठाक रकम मिलने का जोखिम रहता है और इस वजह से अभी से अखिल कुमार जैसे सरकारी शिक्षक चिंता में डूबे हैं कि आखिर रिटायर होंगे तो क्या सुकून से जिंदगी गुजारने लायक पेंशन मिल पाएगी। हमें लगा था कि ये अच्छी स्कीम है, प्लान अच्छा है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ी और हमने इस चीज़ को गहराई से इसमें समझने की कोशिश की तो ऐसा महसूस किया कि ये जो शेयर मार्केट बेस्ड पॉलिसी है इसमें एक तो श्योरिटी नहीं है कुछ भी। जितनी मेरी कैलकुलेशन रही है कि रिटायरमेंट पे मेरी 2040 के बाद रिटायरमेंट है और उस वक्त करीब 25-30,000 रुपये महीना जो है मुझे मिलेंगे, और अगर आज के डेट में कंपेयर करूं मैं, जो हमारे साथी टीचर रिटायर हो रहे हैं वो अभी 40,000 से ऊपर रिटायरमेंट पे पेंशन ले रहे हैं तो उसके मुकाबले अभी उस वक्त 25-30,000 रुपए तो बहुत, और उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। संविधान समानता का अधिकार देता है, लेकिन सरकार 2004 से पहले के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से फायदे वाली पेंशन और 2004 के बाद के कर्मचारियों को नई स्कीम से जोखिम वाली पेंशन देती है। देश में 82% सांसद करोड़पति हैं, 80% विधायक करोड़पति हैं। सांसद विधायक अपनी सैलरी अपनी पेंशन के लिए आपसी सहमति के साथ शांति से सदन में एक हो जाते हैं, लेकिन जब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के मुद्दे पर एबीपी न्यूज ने सवाल पूछा तो जवाब सुनिए। लोकतंत्र में मांग करने का अधिकार सबको है, लेकिन उसको सांसदों की पेंशन से जोड़ना, क्योंकि बहुत से सांसद हैं जो री इलेक्ट होके आते हैं तो उनकी पेंशन उनको नहीं मिलकर उनकी तनख्वाह में बदल जाती है, और देश को जानना चाहिए कि सांसद को 25,000 रुपया ही महीने का पेंशन मिलता है। तो ये तो पार्टी तय करेगी, हमारी संसदीय पार्टी, कि इसमें किस अंदाज से इसको स्टडी करके किस तरह से इसको ऊपर बात करना चाहिए।
ये हालत है सियासत की, जनता से जुड़े मुद्दों पर। यही वजह है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए सरकारी कर्मचारी अपना हक पाने के लिए चुनौती भी देने लगे हैं। सरकार को कर्मचारियों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी ही सत्ता बनाते हैं और बिगाड़ते भी। इसलिए अगर सरकार को कर्मचारियों का सपोर्ट चाहिए तो उन्हें पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। आज एबीपी न्यूज की राय है, नेताओं की तरह ही आम सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का भी ख्याल सरकारें रखे। नई पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों की हर शंका का सरकारें हल निकाले। सरकारी कर्मचारी अगर हड़ताल करते हैं तो एक दिन में ही सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। राष्ट्रधन का नुकसान ना हो, इसलिए सरकारें तुरंत उचित कदम पेंशन के मुद्दे पर उठाएं। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। अच्छा, सरकारों ने जो था वो नई पेंशन स्कीम इसलिए लागू की ताकि खजाने पर बोझ कम आए, तो सवाल उठता है कि क्या सरकारों के पास पेंशन देने लायक पैसा नहीं होता? अब देखिए, यहां एक खबर आपको बताते हैं। कल असम सरकार ने बजट पेश किया। असम सरकार अब से हर दुल्हन को एक तोला सोना देगी। एक तोला सोना मतलब हर दुल्हन को 38,000 रुपए का सोना असम सरकार देगी। ज्यादातर सरकारें वैसे वोट के लिए ऐसी मुफ्तवादी वाली योजनाएं चलाती हैं। वोट के लिए ऐसी योजनाएं चलाने से बेहतर है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल हो, है कि नहीं? क्या सही से पैसे का समायोजन करके सरकारी कर्मचारियों की मांगों और दूसरे आम लोगों के लिए सरकारें पैसे खर्च नहीं कर सकती?